दिल्ली के चर्चित श्रद्धा मर्डर केस को लेकर एक और खुलासा हुआ है। दरअसल गुरुवार को सूत्रों ने बताया कि महरौली के जंगलों से मिली हड्डियों के डीएनए का श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान हो गया है। विशेष पुलिस आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि दिल्ली पुलिस को 14 दिसंबर को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से रिपोर्ट मिली थी। सीएफएसएल लोधी रोड से डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है। जो डीएनए की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। दरअसल आफ्ताब का टेस्ट तिहाड़ जेल के अंदर एफएसएल अधिकारियों द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि आफ्ताब, जिसे 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, बुधवार को फॉरेंसिक साइंसेज लैब द्वारा पुलिस को उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट सौंपी गई थी। बता दें कि मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीमों ने हड्डियों के 13 टुकड़े बरामद किए थे। आफ्ताब ने ही जांचकर्ताओं को बताया था कि उसने श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े किए और उन्हें जंगल में फेंक दिया। डीएनए जांच के लिए हड्डी के नमूने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजे गए थे। एक अधिकारी ने कहा, ये एक अच्छी सफलता है, हम अब अदालत में एक ठोस मामला पेश करने में सक्षम होंगे। सूत्रों ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हड्डियों की ऑटोप्सी की जाएगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई है, जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की हैं। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्रायल कोर्ट में श्रद्धा मर्डर केस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अनुमति दे दी है।